हेड ट्रांसप्लांट का कंसेप्ट बहुत सालों से साइंटिस्ट के बीच चर्चा का विषय रहा है। आज हम बात करेंगे सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग और कंट्रोवर्शियल मेडिकल टॉपिक की जो कभी सोचा गया, द ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट। इमेजिन करें ऐसी दुनिया की जहां हेड और ब्रेन ट्रांसप्लांट किया जा सकता है एक नई बॉडी। हेड ट्रांसप्लांट के कंसेप्ट को सिफेलोसोमैटिक एनास्टोमोसिस भी बोलते हैं, एक ऐसा आइडिया जो कि ब्लर करता है एक लाइन को साइंस फिक्शन और रियलिटी के बीच। 1908 में चार्ल्स वुथ्रे ट्राई करते हैं डोना डॉग के हेड को ट्रांसप्लांट करने के लिए रेसिपियन डॉग के नेक पर, जो कि अनसक्सेसफुल हुआ। 1950 में वाल में डेमिको बहुत सारे सर्जिकल टेक्निक डेवलप करते हैं ताकि डॉग्स में वाइटल ऑर्गन्स और लिम ट्रांसप्लांट हो सके। पहला हेड ट्रांसप्लांट रिपोर्ट किया गया 1960 में। डॉक्टर रॉबर्ट जे वाइट, जो कि अमेरिकन न्यूरोसर्जन थे, उनके हेड ट्रांसप्लांटेशन के आइडिया ने बहुत अटेंशन ली उस टाइम। डॉक्टर रॉबर्ट जे वाइट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया करते थे एनिमल्स पर, खासकर मंकीज पर, ताकि वो स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन को स्टडी कर सके और साथ ही ये भी स्टडी कर सके हेड ट्रांसप्लांटेशन की पॉसिबिलिटी को। रेसेस मंकी का हेड ट्रांसप्लांट किया गया दूसरे हेडलेस मंकी के बॉडी पर। इस प्रोसीजर में होता क्या है, तो डोनर और रेसिपिएंट दोनों इंट्यूबेटेड होते हैं, स्टेबलाइज्ड होते हैं और मॉनिटर किए जाते हैं। रेसिपिएंट के हेड को 10 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है ताकि ब्रेन प्रोटेक्टिव हो, जबकि डोनर की बॉडी को स्पाइनल कूलिंग मिलती है। कूलिंग सिस्टम की वजह से हाइपोथर्मिया अचीव होता है, जो कि रिड्यूस करता है मेटाबॉलिक रेट और सर्जन को टाइम मिलता है प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए। सर्जन प्रिपेयर करते हैं दोनों की नेक, जिसमें एक्सपोज होती है आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स और मसल, जिनको बाद में कनेक्ट किया जाता है। दोनों रेसिपिएंट और डोनर का फेस डाउन किया जाता है। सर्जन कट करता है वर्टिब्रा और स्पाइनल कॉर्ड को माइक्रोसर्जिकल ब्लेड से। रेसिपिएंट का हेड केयरफुली सेपरेटेड किया जाता है और क्लीन किया जाता है और फिर ट्रांसफर किया जाता है डोनर की बॉडी पर और कनेक्ट किया जाता है डोनर की ब्लड सर्कुलेशन से। स्पाइनल कॉर्ड फ्यूज होती है एक स्पेशल वेव के यूज करके, जो हेल्प करती है न्यूरॉन्स को रिकनेक्ट करने में, और साथ में TEG इंजेक्ट किया जाता है बेटर फ्यूजन के लिए। ब्लड वेसल्स जैसे ही कनेक्टेड होती है, ये इंश्योर किया जाता है कि डोनर का ब्लड फ्लो हो रेसिपिएंट के हेड में। नर्व्स और साथ में ट्रेकिया, इसोफेगस और मेजर नर्व्स भी रिकनेक्ट होती हैं। स्पाइनल स्टेबलाइजेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्क्रूज और रॉड्स यूज किए जाते हैं। सारे मसल्स लिंक्ड होते हैं, स्किन को केयरफुली सूचर किया जाता है। फिर इस सब के बाद इंटेंसिव केयर में मूव किया जाता है नेक ब्रेस के साथ। ये मंकी 8 दिन तक जिंदा रहा, जिसमें बेसिक सेंसेशन प्रेजेंट थी, जैसे कि स्मेल, टेस्ट, हियरिंग और ट्रांसप्लांट हेड के फेस का मोटर फंक्शन। डॉक्टर रॉबर्ट जे वाइट ने एक मंकी के हेड को दूसरे मंकी की बॉडी पर सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया, लेकिन नेक के नीचे से मंकी पैरालाइज हो गया था क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड रिकनेक्ट नहीं हुई। 2013 में वेलरे स्पिरिडोनोव, जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, जो कि एक बीमारी से जूझ रहे थे जिसका नाम था हॉफमैन डिजीज, जो कि रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर थी, उन्होंने अनाउंस किया कि वो हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाना चाहते हैं। डॉक्टर सेरिगियो केनावेरो, जो कि इटालियन न्यूरोसर्जन थे, 2015 में एक पेपर पब्लिश करते हैं जिसमें वो आउटलाइन करते हैं अपना प्लान को, जो था ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट प्रोसीजर पर। वो प्रपोज करते हैं कि एक सर्जिकल टेक्निक है जेमिनी स्पाइनल कॉर्ड फ्यूजन को यूज किया जाए डोनर हेड को रेसिपिएंट बॉडी के साथ रिकनेक्ट करने के लिए। अब 2017 में डॉक्टर सेरिगियो केनावेरो अनाउंस करते हैं कि वो वर्ल्ड की पहली ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं दिसंबर 2017। ये प्रोसीजर को शेड्यूल किया गया चाइना में करने के लिए। चाइनीज सर्जन डॉक्टर जेंग फिंग
रैन के साथ जो सर्जिकल टीम को लीड करने वाले थे। 2017 में ही थोड़े टाइम बाद हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी का प्लान पोस्टपोन किया गया टेक्निकल और एथिकल इश्यूज की वजह से। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इस प्रोसीजर के फिजिबिलिटी और एथिकल इम्प्लीकेशन पर क्वेश्चन किए। 2018 में प्लान सर्जरी के पोस्टपोन के बाद भी डॉक्टर सेरिगियो कैनवेरो अपनी हेड ट्रांसप्लांटेशन और स्पाइनल कॉर्ड फ्यूजन टेक्निक्स पर रिसर्च कंटिन्यू रखते हैं। वो दूसरे साइंटिस्ट और सर्जन से कोलैबोरेट करते हैं ताकि वो ऐसे प्रोसीजर्स की पॉसिबिलिटी को और एक्सप्लोर कर सके। 2021 में डॉक्टर सेरिगियो कैनवेरो क्लेम करते हैं कि उन्होंने हेड ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली परफॉर्म किया है ह्यूमन कॉर्प्स पर, यानी कि ह्यूमन डेड बॉडी पर। इस प्रोसीजर में इन्वॉल्व थे डोनर की सीवियर स्पाइनल कॉर्ड्स को रिकनेक्ट करना रेसिपिएंट के साथ जेमिनी स्पाइनल कॉर्ड फ्यूजन को यूज करके। डॉक्टर सेरिगियो कैनवेरो 2022 में पब्लिश करते हैं रिसर्च फाइंडिंग्स जो कि रिलेटेड थी हेड ट्रांसप्लांट प्रोसीजर, सर्जिकल टेक्निक्स की डिटेल और जो आउटकम्स ऑब्जर्व किए गए थे एक्सपेरिमेंट स्टडी में जो हुए थे एनिमल्स और ह्यूमन कैडेवर पर। अब आता है 2024, जिसमें पहला ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट परफॉर्म किया गया जो बना सिग्निफिकेंट माइलस्टोन सर्जिकल साइंस की फील्ड में, और न्यू क्वेश्चंस भी रेज हुए कि ह्यूमन लाइफ एक्सटेंड पोटेंशियल के और सीवियर मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए।